आज मेरे घर पे मैंने बनाया है तड़का। ये है चना दाल का तड़का। तो सबसे पहले यहाँ चना दाल को 1 घंटा के लिए भिगो करके रख दिए हैं पानी में, और जब ये अच्छे से फूल जाएगा, 1 घंटा में मतलब जितना फूल सकता है उतना, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो इधर प्याज और टमाटर कट कर लिए, तो कुकर में डाले सरसों तेल, फिर डाले 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन को अच्छे से चटकने देंगे, फिर उसके बाद डालेंगे प्याज और प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो यहाँ प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, आप डालेंगे तेज़पत्ता, फिर लहसुन, और लहसुन को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि उसका कच्चापन चला नहीं जाता है। तो अभी लहसुन भी पक गया, तो फिर डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर यहाँ डालेंगे हल्दी, और फिर डालेंगे धनिया मिर्च का पाउडर, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला डालेंगे, और नमक भी डाल देंगे साथ ही साथ। अगर आपको अंदाज नहीं है तो सबसे लास्ट में आप डालिए, मुझे अंदाज है तो मैंने अभी डाला। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से मसालों को पका लूँगी, और मसाला जल नहीं जाए इसलिए डाल देंगे पानी। फिर डालेंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर यहाँ देखिए इसको चला लेंगे अच्छे से, फिर डाल देंगे ये दाल। तो दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर डाल दिया यहाँ पे, और फिर अब इसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो सभी चीज़ें कुकर में बना रहे हैं, तो जितना भी खड़े प्याज टमाटर है ना, सब कुकर में गल जाएगा अच्छे से। तो दाल डालने के बाद यहाँ पानी डाल देंगे, तो कुछ ज़्यादा ही पानी डालेंगे क्योंकि देखिए यहाँ दाल पूरा अंदर डूब चुका है, उतना पानी डाला मैंने। और अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के में मैं ले रही हूँ मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी और लहसुन, और अब जो है सरसों तेल डालेंगे। तो आप यहीं पर ऊपर पे घी डाल सकते हैं, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद डालेंगे यहाँ पे लहसुन, जब तेल गर्म हो जाएगा लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे लाल मिर्ची, फिर डालेंगे कसूरी मेथी और जीरा एक ही साथ डाल देंगे। दोनों को टाइम लगता है फ्राई होने में, कसूरी मेथी बहुत जल्दी पक जाता है, और बस छौंक लगा देंगे। तो ये बन गया मेरा तड़का, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और एकदम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, इससे तड़का का फ्लेवर ही दुगना हो जाता है। तो आप जो है अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर गैस पे पका लेंगे, मतलब 1 से 2 मिनट। फिर हम सर्व कर रहे हैं अब अपना और अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा तड़का बन के एकदम कितना लजीज लग रहा है ना देखने में, तो इतना अच्छा बना भी था। तो अब हम सर्व करते हैं, थोड़ा सा इसको चला लेंगे। जो भी खड़ी चीज़ें हैं जैसे प्याज वगैरह, तो सब बहुत अच्छे से गल गया है, और टमाटर भी देखिए आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, इतने अच्छे से ये पक चुका है। तो अभी जो है सब किसी को दे देंगे। मेरे बच्चे लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं, रात में हम बनाते हैं ज़्यादातर तड़का वगैरह, क्योंकि रात में ही सब किसी को बहुत मन करता है कुछ यम्मी सा खाने का। तो ये मैंने अपना प्लेट सजा लिया, प्लेट में है रोटी, हलवा और तड़का और अचार और मिर्ची। तो यहाँ देखिए सब मेरा पूरा फैमिली बैठ चुका है खाने के लिए, और साथ में मेरे हस्बैंड के लिए है दूध, क्योंकि बच्चों और हस्बैंड को दूध पीना बहुत ज़रूरी है, दूध से कैल्शियम मिलता है। तो बच्चे लोगों को शाम के टाइम में दे देते हैं, तो अभी हस्बैंड को दे रहे हैं रात में, क्योंकि शाम में वो अपने ऑफिस में रहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, देखिए रोटी में अचार डाल रही हूँ, फिर मिर्ची, और ये लिया सब्ज़ी यानी दाल का सब्ज़ी यानी तड़का, बहुत यम्मी बना है। आप भी ट्राई करके देखिए कैसा लगता है आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।